Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We learn English grade 3. I hope that you all are doing well. Today we are going to study page number 30, activity time. Look at the chart about the story The Lion and the Bulls and discuss it in the class. Title: The Lion and the Bull. Setting: A field. Characters: one lion, three bulls. Problem: Lion wants to eat the bulls. They make a circle and stop him. Action: The lion spreads stories. The bulls stop being friends. He eats them. Moral of the story: Nobody can defeat us if we are united. Iska ek aur bhi moral ho sakta hai. United you stand and divided you fall. Or union is strength. Harris, we have some more time. Hamare paas aur bhi waqt hai. Let us read another fable. Aaye ek aur kahani padhte hain. Nasir, this fable is about an ant and a grasshopper. Ye kahani ek चूंटी और ग्रास होपर के बारे में है. द आंट एंड द ग्रास होपर. दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ टाइनी आंट हु इज वेरी हार्ड वर्किंग. शी स्पेंड्स हर टाइम इन गैदरिंग लीव्स टू मेक अ स्मॉल होम इन अ होल इन अ ट्री. शी इज ऑल्सो कलेक्टिंग फूड फॉर विंटर एंड लिटिल पीसेज ऑफ क्लॉथ एंड पेपर टू कवर हर सेल्फ. पेज नंबर 31. She meets a grasshopper who is lying under a tree singing songs and playing a guitar. Why are you in such a hurry? Asked the grasshopper. It is a lovely summer day. Sit down and enjoy yourself. I do not have time, says the ant. I have to take these beans home to store them for winter. Winter is very far away, says the grasshopper. I am going to sleep on a leaf near the pond. Time passes and winter comes. There are no leaves on the trees. The wind is cold and snow falls. The grasshopper is without a home. He is very hungry and shivers with cold. Feeling sad, he knocks on a door. It opens and the ant comes out and invites him inside. She is comfortable and cozy in her warm house. She has plenty of food and leaves for a bed. The grasshopper is very sorry. He promises that he will work very hard to prepare for the next winter season. ये स्टोरी जो है एक आंट और एक ग्रास होपर के बारे में है. इसमें वो बता रहे हैं कि एक छोटी सी जो आंट थी वो बहुत हार्ड वर्किंग थी. वो अपना उसने ज़्यादातर अपना टाइम स्पेंड किया अपना लीव्स इकट्ठा करने में. ट्री के अंदर एक होल था, उसके अंदर अपना स्मॉल हाउस बनाने के लिए. और वो विंटर के लिए फूड भी कलेक्ट कर रही थी और क्लॉथ और पेपर भी कलेक्ट कर रही थी ताकि विंटर में अपने आप को कवर कर सके, उसको सर्दी ना लगे. और दूसरी तरफ वो ग्रास होपर से मिली जो कि एक दरख्त के नीचे लेटा हुआ था, सॉन्ग्स सिंग कर रहा था और साथ में गिटार भी प्ले कर रहा था. और फिर उसने ग्रास होपर ने आंट से कहा कि आप इतनी हरी में क्यों हैं, ये एक लवली समर डे है, बैठो इसको इंजॉय करो. आंट ने कहा मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे ये जो बीन्स हैं अपने घर तक लेके जाने हैं ताकि इनको विंटर सीजन के लिए स्टोर कर सकूं. ग्रासहॉपर ने कहा कि सर्दियां तो भी बहुत दूर हैं, मैं तो पॉन्ड के करीब जो लीफ है उसके ऊपर सोने के लिए जा रहा हूँ. वक्त गुजरता गया और आखिरकार सर्दियाँ आ गईं. देर आर नो लीव्स ऑन द ट्रीज. जो दरख्त थे उनके ऊपर कोई भी पत्ते नहीं थे. जो हवा थी वो ठंडी थी और स्नो फॉलिंग भी हो रही थी. ग्रास होपर जो था वो उसके पास कोई हाउस नहीं था, वो हाउस के बगैर था और वो भूखा भी था बहुत और सर्दी से कांप रहा था. फीलिंग सैड, उसने आंट के दरवाज़े पर नॉक किया तो वो दरवाज़ा खुला और आंट जो थी वो दरवाज़े से बाहर निकली और ग्रास होपर को अंदर इन्वाइट किया. जो आंट थी वो अपने हाउस में कम्फर्टेबल भी थी और कोजी भी थी अपने गर्म हाउस में, क्योंकि उसने हॉट समर सीज़न में बहुत हार्ड वर्किंग की थी ताकि विंटर सीज़न में उसको किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े. उसके पास बहुत सा खाना भी था और लीव्स भी थे, और उसके पास लीव्स भी थे अपना बेड बनाने के लिए. ग्रास होपर को बहुत अफसोस हुआ. उसने वादा किया कि वो भी हार्ड वर्क करेगा अगले सीज़न विंटर सीज़न की प्रिपरेशन के लिए. फ्रेंड्स, आपने स्टोरी रीड आउट करनी है और जो वर्ड्स अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनकी डिक्टेशन करनी है. आंट, ग्रासहॉपर, टाइनी, हार्ड वर्किंग, स्पेंड्स, गैदरिंग, ट्री, कलेक्टिंग, विंटर,
whole, herself, cloth, pieces, lying, singing, playing guitar. Lovely summer day, sit down, enjoy. Beans, store, far away, pond, passes, snow falls, without, hungry, shivers, feeling, knocks, invites, inside, comfortable, cozy, warm, plenty, sorry, promises, hard, prepare, season. अंडरलाइन वर्ड्स की डिक्टेशन नीट कॉपीज़ पर राइट करनी है और ट्रांसलेशन और आपने ये स्टोरी रीड आउट करनी है.